अनुभवी करेंगे आप सर इनॉगरेशन भी करिए और तक आज के इस सभाधार में इस कार्यक्रम का संबंध है तो जहां हमारे एडीसी साहब ऑल इन ऑल है इस काम के तो उन्होंने आपको डिटेल में बताया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है डूज एंड डोंट्स। कोई गुंजाइश नहीं है मुझे सेकंड थॉट देने की ये सोचने की कि अगर ऐसा हो जाए इनॉग्रेट करता हूँ और आपको बेस्ट विशेस बोलता हूँ शुभकामनाएं बोलता हूँ कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए आपका जो है आपका मोटिवेशन बना रहे और भी आपको लाइट दे आपकी इनलाइटमेंट करे कि आप बढ़िया सा काम करें और प्रशंसा जो के काम करें जैसे आपने पहले किया है। थैंक यू। कलेक्टिव सपोर्ट के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे और हम इस इवेंट को एक सक्सेसफुल रोड मैप के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। बीच में अगर कहीं कोई भी डाउट होता है ड्यूरिंग मेरे ट्रेनिंग में तो आप मेरे को बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। जैसे जो था ना टाइमिंग हमारे जो इनविजिलेटर्स हैं वो अपना मोबाइल अंदर लेकर नहीं जा सकते। पार्टी 8 है तो उस सिलसिले में क्या किया जाए? Am I right? Whether you have asked like this? वैसे तो इस असाइनमेंट के साथ जुड़े हुए हर एक पर्सनैलिटी का काम यकीनन इम्पोर्टेंट है। इसके सामने ये क्या है? ये मैंने बड़ा किया ऐसे नहीं पूछ सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 27 तारीख को जो एसआई का ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रीडन टेस्ट होना है उसके लिए हमने यहाँ पर 2 शिफ्ट्स में ट्रेनिंग्स रखी थी। एक मॉर्निंग में था एक अभी था और इसमें हमारे जो इसके कोऑर्डिनेटर आए थे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए जो है वो प्रेजेंटेशन दी है ट्रेनिंग करवाई है और उसके अलावा इनकी जितनी क्वेरीज क्वेश्चन थे वो भी दिए गए एंड वी आर ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इसको जो है वो एज पर रूल्स और गाइडलाइंस जो इसकी हैं उसके मुताबिक जो है ये हम एग्ज़ाम करवाएँ। डिप्टी कमिश्नर साहब ने सुबह इसको इनागोरेट किया और उन्होंने भी ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से ये एग्ज़ाम कराने के लिए पूरा आश्वासन दिया है और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर पूरा काम कर रही है।